बारूद खाना हवेली जो है इसको इसलिए बारूद खाना हवेली कहते हैं क्योंकि ये एक्चुअली एक बारूद खाना था और महाराजा रणजीत सिंह के ज़माने में जो उनका मिलिट्री कमांडर था लाहौर शहर का, उसका ये रेजिडेंस भी था और उसकी सुपरविज़न के नीचे तमाम गोला बारूद असला जात जो थे, घोड़े, ये सब चीज़ें इसके उसके अंडर जो थी वो थी। इसीलिए ये जो वाक़या है ये बाज़ार बारूद खाना पे, हवेली बारूद खाना वाक़या उसी इस हवेली के नाम से जो बाहर जो बाज़ार है उसका भी नाम रखा गया था। अब बारूद हवेली का कोई एक ऐसी कोई डेट मैं आपको नहीं दे सकता कि ये कब, इट केम इनटू प्रोमिनेंस सिखों के ज़माने में, रणजीत सिंह के ज़माने, उससे पहले की ये यहाँ, और कहा जाता है कि इससे पहले कुछ कोई एक हिंदू थे, उनका उन्होंने ये हवेली बनाई थी और उनके नाम पे चली आ रही थी, पर जब रणजीत सिंह की हुकूमत आई तो उसने ये टेक ओवर करके तो उसको बारूद खाना इसको बना दिया। मेरी तो पैदाइश थी ना वो इसी हवेली की, और हमारी फैमिली जो थी वो यहाँ कोई 1860 के करीब जब हमें ये हवेली अंग्रेज़ों ने दी है, हमारी जो ओरिजिनल हवेली थी वो वहाँ थी अपना जहाँ पानी वाला तालाब है, क्योंकि वो सबसे ऊंची जगह थी तो इसलिए उनको दरकार थी, उन्होंने वहाँ सारा वाटर रिजर्वायर बनाना था, क्योंकि उनसे अंग्रेज़ों के आने से पहले तो यहाँ कुओं का इस्तेमाल होता था, पानी वगैरह जो था कहीं और नहीं आता था कहीं और से, तो तब उनके अंग्रेज़ों के आने के बाद ये नलके और ये सारी जो पाइप्स लगी और सारे शहर के अंदर सप्लाई वहाँ से होता था, तो वो उन्होंने एक्वायर कर ली और उसके इवज़ हमें ये वाली हवेली दे दी। कायदे आज़म अलामा साहब का यहाँ बहुत आना जाना था, फिर उसके अलावा फैज़ साहब के जो वालिद थे चौधरी सुल्तान साहब, फिर अब आप उससे पहले आप देखें सर सैयद मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली, अल्ताफ़ हुसैन हाली, इस्मत चुगताई, अब बल्कि एक इतनी लंबी एक लिस्ट है, शेख अब्दुल्ला साहब यहाँ 3 साल मुकीम रहे जब वो क्या कहते हैं यहाँ आना, लेकिन मेरी नज़र में जो सबसे इम्पॉर्टेंट शख्सियत जो मेरी ज़िंदगी में यहाँ तशरीफ़ लाई वो कायदे आज़म की बेटी थी। फ्रेंड्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए तो मैं हर वक्त आई अलाउ देम टू कम एंड डू वट एवर दे वॉन्ट टू डू, और पाकिस्तान की प्रमोशन के लिए बिल्कुल स्टूडेंट्स के लिए दरवाज़े हर वक्त खुले हैं, उनके बहुत सारे इवेंट्स होते हैं स्कूल्स के, कॉलेजेस के, उनके टीचर्स के, सब जो है वो क्या कहते हैं इट ऑल टेक्स प्लेस हियर। मोतिया है, रात की रानी है, इस तरह की चीज़ें, फिर फल मैंने लगाए हुए हैं पीछे यू नो, थोड़े बहुत शतूत है, जामुन है, अंजीर यू नो, इस तरह की चीज़ें, लेमन, नींबू, ये सब मैंने लगाए हुए हैं। कोई भी जगह हो अगर वहाँ ग्रीनरी ना हो, दुनिया का खूबसूरत तरीन जगह हो, महंगी से महंगी हो, ग्रीनरी जो है ना जब तक अल्लाह ताला का नेचर जो है उसमें ना नज़र आए वो उसकी आई थिंक उसकी जो खूबसूरती है अधूरी होती है। देखिए यहाँ का जो तर्ज तामीर जो है ना ये बिल्कुल वो पुराना है जो मुग़लों ने भी अडॉप्ट किया, उससे पहले भी क्या कहते हैं होता था, जब से ये छोटी ईंट का काम हुआ, प्री मुग़ल ये काम नहीं होता था तब, पहले पत्थरों से ज़्यादा वो जो आप देखें यहाँ तो शायद वो नहीं है, वो आसार शायद कम नज़र आएँ, लेकिन हिंदुस्तान में आप देखें कि मुग़लों प्री मुग़ल जो आर्किटेक्चर है तुगलक्स का वो सारा क्या कहते हैं वो सारा स्टोन्स का था, ब्लैक स्टोन्स का, और इतना ज़्यादा ऑर्नेट और क्या कहते हैं खूबसूरत नहीं था, तो ये सारा वही है, चूने का काम है, छोटी ईंट का काम है दीवारों पे, और क्योंकि ये एक किला नुमा एक थी एक इमारत, तो इसकी जो दीवारें हैं वो भी कोई कम से कम 5-5, 6-6 फुट चौड़ी हैं। मेरा बहुत एक आलीशान घर होता डिफेंस के अंदर, बहुत मैं कहता हूँ मैं सोना चांदी लगा देता उसके, उसकी ये वर्थ होनी थी, दुनिया भर से लोग, क्योंकि लोग दुनिया में जाते हैं, हिस्ट्री उनको अट्रैक्ट करती है, कल्चर अट्रैक्ट करता है, ये चीज़ें अट्रैक्टिव होती, वरना वेस्ट में आप जाएं तो वहाँ को डिफेंस और गुलबर्ग तो चीज़ ही कोई नहीं है।
बादशाही किला है या बादशाही मस्जिद है, रंजीत सिंह की मड़ी है, फिर आप देखें कि वज़ीर ख़ान की मस्जिद है, शाही हमाम है, सुनहरी मस्जिद है, बहुत सारी इतनी हिस्टोरिकल साइट्स हैं लाहौर, तो अंदरून शहर तो भरा हुआ है उसके ऊपर, तो सब नज़दीक हैं। एवरी थिंग इज़ वॉकिंग डिस्टेंस। सबसे ज़्यादा लंबी रूट अंदरून शहर में ये है कि अगर आप दिल्ली दरवाजे से एंटर करें और भाटी दरवाजे से बाहर निकल जाएँ, ठीक है, और ये आपको सारा जो सफ़र है अगर आप वॉक करें तो इसमें आपको 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। और यहाँ हर किस्म का जो खाना है बेहतरीन मिलता है, ट्रेडिशनल खाना जो है वो बेहतरीन मिलता है। मसलन हमारे यहाँ हलवा पूड़ी जो है, यहाँ अपना ताजमहल बिल्कुल पास ही है, स्वीट्स वाले उनका बहुत आला होता है, हर चीज़ कचौरियाँ भी, हलवा पूड़ी भी, और फिर समोसे बेहतरीन होते हैं उनके, पकौड़े, इस तरह की चीज़ें। इसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो गिर भी गया था, ठीक है, और मैंने कोई नई चीज़ जो है कंस्ट्रक्ट नहीं की, पुरानी ही सब कुछ है, माँ सवाए एक किचन के, वो भी जो पिछला वाला जो वेड़ा था वो यहाँ से दरवाज़ा निकाल के तो उसको ऐड किया, वो इसके प्रेजेंट की हवेली की जो सारा आर्किटेक्चर है उसको वो बिल्कुल क्या कहते हैं ख़राब नहीं करता। ये पुरानी टाइल्स हैं, ईंटों का फर्श है, हो सकता है कि किसी, ये जो हैं स्क्वायर वाली, ये तो डेफिनेटली बहुत पुरानी है, ठीक है, और बाकी जो जो बड़ी ईंटें हैं वो गालिबन शायद नई हों, लेकिन होता हमेशा ईंटों के ही फर्श थे यहाँ बाहर भेड़ों में। छतें जो हैं वो लकड़ी की हैं सब, और उसी वक्त से ये चली आ रही हैं छतें, और इनमें ये होता रहता है कि बदली जाती हैं कई दफ़ा, जो कड़ियाँ हैं लकड़ी की वो बहुत पुरानी हो जाती हैं, क्रैक कर जाती हैं, फिर उनको उसी तरह ही रिप्लेस उसी लेंथ की और उसी मोटाई की और उसी चौड़ाई की जो लकड़ी है वही लगाई जाती है। बड़ा सेंसिबली उस ज़माने का आर्किटेक्चर था, एक तरफ कमरे के भी खिड़कियां हैं, दूसरी तरफ भी हैं, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन रहे, हवा का जो जारी रहे हर वक्त, क्या कहते हैं हम जाना, छतें लकड़ी के ऊपर मिट्टी के ऊपर ईंटें, ताकि वो ठंडी रहें, ठीक है, वरेंडे जो हैं छोटे छोटे बने हुए कमरों के आगे, तो ये सारी चीज़ें उस ज़माने में जो आर्किटेक्ट्स थे वो बड़ा सोच समझ के मौसम के हिसाब से बनाते थे। वो म्यूज़िक, जो म्यूज़िक रूम है वो म्यूज़िक रूम बन गया, वो इसलिए बन गया कि वो बेसिकली तो एक कमरा था जहाँ, क्योंकि वो सबसे ठंडा कमरा है घर में, तो ये सजेशन मुझे दिए इंजीनियर्स पीटर गैब्रियल के, जब खान साहब फौत हुए हैं तो पीटर गैब्रियल ने भेजा मेरे पास कि अगर कोई मेरे पास कोई खान साहब की कोई रिकॉर्डिंग है तो ही वुड लाइक टू यू नो कि मैं उनके साथ शेयर करूँ, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि उन्होंने कहा ये तो आपका एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो होना चाहिए यहाँ, कि इसकी इतनी नेचुरल अकूस्टिक्स जो हैं इतनी ज़बरदस्त है कि नहीं हो सकती, तो फिर उसके बाद हमने इसका नाम, एक्चुअली तो उसका नाम है गालिब रूम, और गालिब साहब की बड़ी खूबसूरत एक पेंटिंग भी लगी हुई है, मुझे याद है मैं और नसीरुद्दीन शाह हमने यहाँ फूड स्ट्रीट पर एक दुकान थी, अब वो बेचारे जिसकी दुकान थी वो फौत हो गया, तो वहाँ ये पेंटिंग ओल्ड सिटी के स्टूडेंट्स ने बना के रखी हुई थी गालिब की बड़ी खूबसूरत, तो हम एक प्रोग्राम उस वक्त विरसा का कर रहे थे जिसके लिए नसीरुद्दीन शाह आए हुए थे द चीफ गेस्ट, तो मैंने कहा ये बड़ा अच्छा लगेगा, तो वो पेंटिंग हमने वहाँ से ख़रीदी, और जब सेट लगा तो हमने वहाँ जो इधर जो दीवार है उसके ऊपर उसको लगाया हुआ था, तो थ्रू आउट द प्रोग्राम वो तस्वीर जो थी उसको वो यू नो वो शो करती थी, तो हमारा एक आप कह सकते हैं हमारे बुज़ुर्गों का एक रूहानी रिश्ता था गालिब के साथ, और गालिब की क्या बात है, मेरी वालदा भी बहुत ज़्यादा मेरा मतलब गालिब का कलाम उनको जितना याद है शायद अलामा का भी उतना नहीं याद। लेकिन मैं इन नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पे यकीन रखें, इसके जो फाउंडिंग फादर्स थे वो बहुत ही नेक नियत
साफ नीयत के लोग थे जिन्होंने ये मुल्क बनाया, और इंशाल्लाह इस मुल्क को कभी कुछ नहीं होगा। अलामा का एक शेर है, मिल्लत से अपनी रिश्ता तो इस्तवार रख, व्यवस्था रह शजर से, उम्मीदें बहार रख।